नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ में यरमता सिंह। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज तेजू हवाई अड्डे के नव विकसित आधारशिला का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में की। नव विकसित आधारभूत संरचना में विस्तारित रनवे, नई एप्रोन, नई टर्मिनल भवन और फायर स्टेशन सह एटीसी टावर शामिल है। इन संरचनाओं को 212 एकड़ भूमि में 170 करोड़ रुपए की लागत में निर्माण किया गया है। तेजू एयरपोर्ट ETR 72 टाइप के एयरक्राफ्ट। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेजू एयरपोर्ट में नव विकसित संरचना के निर्माण से प्रदेश में पर्यटकों का आगमन और आसान हो जाएगा। प्रदेश वुशु संघ AAPWN एशियन गेम्स में भाग लेने के बाद से हाल ही में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की तीन वुशु खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिए जाने को कड़े शब्दों में निंदा की है। संघ ने तीनों खिलाड़ियों को एशियन गेम्स के पदक विजेता का स्टेटस दिए जाने की मांग की है। AAPW सलाहकार तोको तेकी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच के कूटनीतिक मुद्दे के कारण अरुणाचली खिलाड़ियों को बार बार मुश्किल झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारे नेमान वांगसू, अनिलो तेगा और मेपुंग लामगु प्रतिभावान वुशु खिलाड़ी है और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बलबूते पर वे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया था, लेकिन चीन ने उन्हें 19 एशियन गेम्स के लिए वीजा देने से मना कर दिया है। श्री लामगु ने तीनों खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में पदक विजेता की स्टेटस देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के मानदंडों के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन देने का भी भारत सरकार से मांग की है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिला और असम के धेमाजी जिले को जोड़ने वाले लिखाबाली सिला पथार सड़क पर बाढ़ की लंबे समय से चली आ रही समस्या को सुलझाने के लिए सीमा सड़क संगठन ने लिखाबाली सिला पथार रोड सुधार परियोजना का शुभारंभ किया है। इस संबंध में लोअर सियांग जिला उपायुक्त निजी तौर पर इस महत्वपूर्ण परियोजना का देखरेख करेगा। इसका उद्देश्य आवाजाही करने वालों को अवादित यात्रा मुहैया कराना है। गौरतलब है कि गर्मी के दिनों में हमेशा इस सड़क पर बाढ़ आती है, जिसकी वजह से सड़क बाधित रहता है। चिंपो स्थित दोन्यी पोलो श्रवण दृष्टिबाधित एवं बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों के विद्यालय ने कल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस विद्यालय में मनाया। कार्यक्रम में भाग लेते हुए केंद्र विद्यालय नंबर 2 ईटानगर के प्रिंसिपल के आर मीणा ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को अपार संभावनाओं से युक्त पूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें पूरा समर्थन देकर पोषित करें। इस अवसर पर दोन्यी पोलो मिशन के वाइस चेयरमैन डॉ ओकांगापांग ने भी उपस्थित छात्रों और लोगों को संबोधित किया। एशियाई खेलों में आज चीन के हांगझू में भारत ने 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसी की भारतीय महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम ने 1886 के सामूहिक स्कोर के साथ रजत पदक जीता। व्यक्तिगत वर्ग में रमिता जिंदल ने भी उसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोइंग में भारत ने पुरूषों की लाइटवेट डबल स्कल्स स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। पुरुषों की 8 स्पर्धा में भी देश ने रजत पदक जीता। रोइंग की एक अन्य स्पर्धा में भारतीय जोड़ी बाबूलाल यादव और लेखराम ने कांस्य पदक हासिल किया। फिलहाल भारत ने 5 पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत ने हाल ही में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का पूर्ण सदस्य बनाकर अपने महत्व की क्षमता साबित की है। आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है। उन्होंने इस बात पर गर्व जताया कि इतिहास हमेशा याद रखेगा कि इस आर्थिक गलियारे की शुरुआत भारत की धरती पर हुई थी। मोदी ने कहा कि दिल्ली G20 का आयोजन स्थल भारत मंडपम अपने आप एक सेलिब्रिटी बन गया है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि लोग इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं और उन्हें गर्व के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग देश की एक और उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि देश भर के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर कब उतरने वाला है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।